नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। जस्ट अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले SBAPO का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो अपने चैनल से कई बच्चे सिलेक्ट हुए, उनमें से एक स्टूडेंट थे नयन, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आज आप लोगों के साथ नयन अपनी जर्नी शेयर करेंगे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स अभी आप करंटली फेस कर रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने भी की होगी। साथ ही साथ क्या क्या सोर्सेज उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए यूज किए, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले वेलकम नयन, अपना समय निकालने के लिए है। बिल्कुल सर। चलो तो नयन, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दो कि यार अपना क्या बैकग्राउंड क्या था, कब से स्टार्ट किया था और कितना समय हो गया तैयारी करते हुए, और लास्ट ईयर कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए और उसमें कैसा कैसा परफॉर्म किया, बस वो जनरल जनरल चीजें बता। मेरा नाम नयन पांचाल है और मैं उज्जैन सिटी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बीटेक जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। और अभी मैंने प्रिपरेशन जो है मार्च 2022 से जो है जो बैंक की एग्ज़ाम है PO की, उसके प्रिपरेशन मैंने चालू की थी। और उसके बाद उससे कंटिन्यू मैं जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी मैंने IBPS PO वगैरह RRB PO भी दिया था, पर उसमें किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। तो जो कमियां थी उससे उससे मैंने सीख के आगे बढ़ के और फिर SBI PO मेंस मैंने दिया और मेरा इसमें सिलेक्शन सर हो। अच्छा, RRB में कितने मार्क्स से रह गए थे आप? RRB में सर 3 मार्क्स है सर। 3 मार्क्स से रह गए, तो उसके बाद आपने जी IBPSPO और SBAPO दोनों एग्जाम्स निकाले या नहीं, ओनली SBI PO सर। SBAPO? तो आपने IBPSPO का जी भी एग्जाम दिया था क्या? जी सर, IBPS PO मैंने दिया था तो उसमें मेरा 2.5 मार्क्स है, उसमें भी मेरा रह गया था। अच्छा, वहां पे RRB में 3 मार्क्स से रहे, IBPSPO में टू पॉइंट एमबीपीएस फाइव में के टू रहे, पॉइंट उसके फाइव बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, बड़ी चीज है यार। क्योंकि होता क्या है कि जनरली जर्नी में जब आप बहुत क्लोज आके रह जाते हो ना, तो बच्चे थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद यार हो सकता है अपने से हो ही ना पाए, इतना पास आके रह रहे। बट ये एक बहुत ही प्राइम और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी तरह मेरे बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने SBAPO क्लियर कर लिया, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वो आया ही नहीं कि कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हुआ, सब में किसी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि फिर से पूरी चीजें स्टार्ट करना, उसके लिए काफी क्या वही हाँ चीजें पढ़ना, यार इतना अच्छे से पढ़ा था नहीं हो पाया। तो वो आपने एक बहुत अच्छी सीख हम नयन से यहाँ पर ले सकते हैं। तो वो मोटिवेशन कैसे आया, वो थोड़ा सा आप बताओ कि आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, या खुद को कैसे डिसिप्लिन रखा, खुद पे कैसे विश्वास रखा कि नहीं यार मैं SBAPO, जो सबसे मुश्किल है माना जाता है कि यार RRB PO नहीं निकल रहा, IBPS PO नहीं निकल रहा, SBAPO कैसे निकल जाएगा, तो वो कैसे रहे आप, वो थोड़ा सा बताओ एक बार। तो RRB PO में जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। तो मैंने वो SBI PO में जो कोशिश की कि IBPS PO में कि मैं वो कमियां दूर करूं, तो मेरा फिर लेकिन फिर भी मेरा उसमें नहीं हो पाया। उसमें मेरा सर 3 बार मेरा जो सिस्टम बंद हो गया था IBPS PO में मेंस के समय पे। तो उसके उसमें मेरा करीबन 20 से 25 मिनट मेरा चला गया था एग्जाम में ओवरऑल। अच्छा, तो उसके कारण सर बहुत मतलब पूरा पेपर मेरा बिगड़ गया था। उसके हाँ बाद फिर मैंने जो है SBI के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब क्योंकि लास्ट चांस था। और हाँ मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे IBPS नहीं मिला तो हो सकता है मुझे बड़ी चीज़ मिल रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो पहली चीज़ें वही मिल जाए, हो सकता है किसी किसी को कुछ चीज़ बाद में भी मिलती है। तो मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि तेरे लिए शायद कुछ बड़ी चीज़ सोची तभी तुझे छोटी चीज़ नहीं मिल रही है। तो बस उनके उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी ने भी मेरी बहुत बोला कि टेंशन मत ले, तेरा सबसे अच्छी जगह तेरा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल परिवार का पूरा साथ था, कंप्लीट था कि तुझे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, हम बैठे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने बिल्कुल लगातार मतलब जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन मैं पढ़ता था, कुछ भी हो जाए IBPS PO का रिजल्ट आया जिस दिन उस दिन में मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं पढ़ा उस दिन भी। उस दिन भी मैंने कंप्लीट पढ़ाई करी, अपना सब काम किया और उसके बाद फिर फाइनल SBI में मेरा हो गया। अच्छा, नयन थोड़ा सा वॉइस का अगर अपने इंक्रीज हो पाए, क्योंकि तो आवाज या तो मुझे शायद थोड़ी कम मिल रही है, तो हल्की सी आवाज का। बाकी नयन ने बड़ी अच्छी चीज बताई, एक तो हाँ फैमिली का सपोर्ट बड़ा जरूरी रहता है यार, और फैमिली ने हमेशा मोटिवेट किया, खुद पे तो विश्वास था ही कि यार किसी कारणवश, क्योंकि अपने जब मेंस के एग्जाम देते हैं तो सारे मेंस अच्छे जाए कोई जरूरी नहीं, तभी अपने को खुद को अपॉर्चुनिटी देनी है सारे प्री निकाल के कि यार कोई ना कोई मेंस तो ऐसा आएगा जिस दिन मेरा परफेक्ट दिन होगा, और मेरा परफेक्ट दिन होगा उस दिन एग्जाम निकल जाएगा। वही नयन के साथ हुआ, SBAPO का जो मेंस का एग्जाम दिया उन्होंने बहुत अच्छा दिया, आई एम श्योर तभी आज सिलेक्टेड सिलेक्टेड की लिस्ट में है। तो अपने बारी बारी से बात करते हैं सारे सेक्शंस की। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। इंग्लिश के लिए आपने क्या रिसोर्सेज या क्या सोर्सेज फॉलो किए, ये आप थोड़ा सा बताइए। इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ग्रामर के पीछे भागते हैं कि
कि मैं ये रूल्स कर लूंगा, मैं 120 रूल्स कर लूंगा, या मैं कुछ रूल्स पढ़ लूंगा, मैं नाउन पढ़ लूंगा, प्रोनाउन पढ़ लूंगा तो मेरा इंग्लिश में हो जाएगा। तो जबकि वो चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो मुश्किल से मेरे हिसाब से 20% अगर अपन बैंकिंग की बात करें तो 20% वो चीज काम आती है आपको, और बाकी सब आपको काम आती है रीडिंग, ओनली रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आपको हैबिट है पढ़ने की, तो आप बहुत ही आसानी से वो चीज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो रीडिंग आपको अच्छी करना पड़ेगी। तो रीडिंग में ज्यादातर जो चैनल्स वगैरह जो भी सर बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, पर एडिटोरियल समझ में भी आना चाहिए। मुझे भी एडिटोरियल समझ में ही नहीं आता था, समझ में आना चाहिए ना पहले पढ़ने के लिए। तो मैंने पहले नॉर्मली चीज पढ़ना चालू करी, मैं आर्टिकल्स पढ़ता था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता, तो मैं कोई भी वीडियो देखता इंग्लिश में देखता था मैं वीडियोस, ज्यादा मैं हिंदी में बहुत कम देखता, मैं इंग्लिश में वीडियोस देखता था। या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो नॉर्मल आर्टिकल पढ़ता था, जो बहुत सारी वेबसाइट वगैरह बनाती है या कुछ न्यूज चैनल होते हैं उनके आर्टिकल पढ़ लिए। जैसे मुझे फिल्म का शौक है तो मैं बॉलीवुड की न्यूज वगैरह इंग्लिश में देखता था, या फिर कोई फिल्म स्टूडियो कुछ चीजें हैं तो वो मैं इंग्लिश में देखता था, पढ़ लेता था। तो कुछ भी जरूरी नहीं है कि अपन एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कुछ भी बड़े फ्लो बन जाना चाहिए बस इंग्लिश का। अगर आपको फ्लो पता है इंग्लिश का कि सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस फॉर्मेट कैसे होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया कि सेंटेंस बनाना कैसे है, तो फिर आपने पूरी इंग्लिश का निचोड़ आपने निकाल लिया है मेरे हिसाब चलो, तो बड़ी अच्छी चीज नैन ने बताई कि मेन फोकस रीडिंग का होना चाहिए। रीडिंग आप एज ए जनरल तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, बट अपने एक दिनचर्या का, अपने रूटीन का एक पार्ट बनाओ कि कुछ ना कुछ चीजें अच्छी अच्छी पढ़नी है। अभी आप ऐसा लग रहा है कि सर अच्छे लेवल पे नहीं है, तो हाई लेवल की जो इंग्लिश है वो नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट कर लो, नॉर्मल नॉर्मल चीजें करो और धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। एक बहुत सही बात बताई है कि अपनी बैंक एग्जाम की जो इंग्लिश होती है वो रीडिंग कॉम्प्रेंशन बेस्ड होती है। तो जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है वही जनरली क्या है इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाता है। ये आपने अच्छा बताया। इसके लिए आपने कोई कोई टीचर या कोई फैकल्टी को भी फॉलो किया था या फिर नॉर्मल आपने कुछ ही किया था? नहीं सर, मैंने नॉर्मली पहले जो मैं कुछ बुक्स खरीद के लाया था, मैंने कोशिश की थी उनसे पढ़ूं, पर खुद से पढ़ना बुक्स से लगता नहीं है कि थोड़ा मतलब इजी नहीं है वो चीज़, क्योंकि आप लोग को क्या है कि सर इंग्लिश टू हिंदी समझना पड़ती है। तो मेरे हिसाब से जब आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना चालू करो तो आप इंग्लिश में ही आप इंग्लिश को समझिए, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश का ट्रांसलेट फिर हिंदी में कर रहे हैं और फिर समझ रहे हैं। ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग जो है, ऐसा भी करते हैं कि पहले इंग्लिश पढ़ी फिर तो उसका हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस चीज को देखते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही सोचना है उस चीज को, इंग्लिश में ही समझना है। और इंग्लिश की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको जो है जो क्वांट या रीजनिंग है, अगर आप वो इंग्लिश में सॉल्व करना चालू करोगे, क्योंकि अगर आप क्वांट और रीजनिंग अगर इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो तो आप इंग्लिश को कैसे टैकल कर पाओगे। तो एक ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको क्वांट और इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उन्हें क्वांट और जो रीजनिंग है इसको भी अगर वो इंग्लिश में सॉल्व करना चालू करे तो इससे भी उन्हें बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है। चलो, ये बड़ी अच्छी चीज बताई कि मैं अपने काफी हिंदी मीडियम स्टूडेंट से भी कहता हूँ, जो रीजनिंग, ऑल्दो मैं हिंदी में भी कंटेंट देता हूँ, पर बच्चों को मैं बोलता हूँ कि अगर यार आप रीजनिंग की हिंदी वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप इंग्लिश का सब्जेक्ट कैसे निकाल पाओगे। और वो एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ही है ना, कि आप रीजनिंग में जैसे पजल्स निकाल रहे हो, तो वो एक रीडिंग की स्पीड आपकी अच्छी बन रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, तो वो प्लस पॉइंट है ना, उसका फायदा लो। तो बिल्कुल अच्छा पॉइंट नैन ने बताया। अब इंग्लिश के बाद आ जाते हैं अपने क्वांट्स पे, मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स के लिए आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए ये बताइए। मैथ्स के लिए तो मैं बहुत सिंपल तरीके से काम करता था कि मुझे अगर मान लो वर्क एंड टाइम पढ़ना है, मैं यूट्यूब पर सर्च करता था वर्क एंड टाइम, जो पहले दो वीडियो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो आप सबसे पहले क्वांट में सबसे मेन चीज़ है कि आप शॉर्ट ट्रिक नहीं काम चलेगा, शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओ। शॉर्ट ट्रिक अगर आप बैंक के अलावा अगर अपन बात करते हैं एसएससी वगैरह में या रेलवेज में आपको शॉर्ट ट्रिक से काम हो सकता है, पर बैंक में शॉर्ट ट्रिक का कोई यूज है ही नहीं। तो आप जहां तक हो सके बेसिक टेक्निक आप अगर सीख जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आपको अपने आप खुद बना लेंगे। मैंने खुद ने मेरे खुद से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स खुद ने बनाई है कि मैं इस चीज को इससे पहले कर सकता हूँ, ये जो बता रहे इससे अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले जो है भूल जाओ, सबसे मेन बात ये है। अगर आप क्योंकि आज तो ऑनलाइन जमाना है तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैंने तो नॉर्मली अगर मुझे बैंक टाइम एंड वर्क पढ़ना है, मैंने सर्च किया टाइम एंड वर्क यूट्यूब पे, जो मुझे कुछ पहला वीडियो दिखा, दूसरा वीडियो दिखा, जो मुझे लगा कि हाँ मेरे को इनका थोड़ा समझ में आ रहा है, वो वीडियो मैंने कंप्लीट देख लिया और उसके नोट्स बनाए मैंने कंप्लीट, कि अगर टाइम एंड वर्क है तो उसके मैंने फॉर्मूलाज लिखे, एक दो क्वेश्चन जो उसके थे अच्छे क्वेश्चन, मैं हर अच्छे क्वेश्चन को नोट कर लेता था कि यार ये क्वेश्चन अच्छा ही मुझसे नहीं बना, मैं उस क्वेश्चन को नोट करके और रख लेता था साथ में। और अगर आप प्री की बात करें तो प्री में बहुत सिंपल क्वांट आता है, बिल्कुल सिंपल, आप उंगलियों पर कर सकते हैं नॉर्मली। पर अगर अपन मेंस की बात करें तो वहाँ पे लेवल बहुत ज्यादा एकदम चेंज होता था, बहुत ही ज्यादा। तो उसके लिए जो है एक ही चीज है कि आप सबसे पहले शांत रहें क्वांट करते समय। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ घबरा गए, दो क्वेश्चन नहीं हुआ घबरा गए,
एक दिन मतलब अगर मेंस का बात करें तो मैं जब पहली बार क्वेश्चन करने के लिए डीए के लिए बैठा था तो एक दिन में मुझसे एक ही डीए हुई थी पूरी, 10 से 12 घंटे लग गए थे एक डीए सोल्व करने में। पर टाइम आपको लगेगा धीरे धीरे करने में, और आपको क्वांटम में करने भी नहीं ज्यादा क्वेश्चन अगर मेंस की बात करें। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन में कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, चलो अगर अपन बहुत ने सही बात क्वांट बोली, में क्योंकि क्वांट्स में तो मेंस में एसबीपीयू में इसमें 10 क्वेश्चन कर लिए तो बन गया पेपर, वहीं पर बात ही खत्म है। बन और गया। आप भी ऐसे था कि सेलेक्टिव रहते होंगे, है ना, कि यार जो जो अपने इजियर है वो ढूंढ के अपने को करने हैं, अपने को बाकी तो चीज देखने वही की भी जरूरत नहीं है। प्री में अपन जैसे देखते तो प्री की एग्जाम वो होती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, पर मेंस की एग्जाम हो रही थी कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। हाँ बिल्कुल, यह सबसे मेन बात बताना चाहूंगा कि प्री में अगर आपको अगर पता है कि मैं इस क्वेश्चन मेरा टाइम खाएगा तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पर अगर मेंस में आपको लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को पिक करिए और उस क्वेश्चन को करिए और आराम से करिए। हो सकता है आपको 5 मिनट में नहीं हो, 10 मिनट में हो, पर उसको करिए। अगर आपसे एक क्वेश्चन हो गया मेंस में तो बहुत बढ़िया बूस्ट मिलता है उस चीज से आपको कि यार मैंने यार 2 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया, कि ये तो मेंस का मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया, तो वो काफी बेनिफिट रहता अच्छा तो क्वांट्स के लिए आप मतलब कोई पर्टिकुलर टीचर की क्लासेस, जैसे स्पेशली मेंस की बात करें तो प्री का तो आपने है। बता दिया कि यार कंसेप्ट आप यूट्यूब पे सर्च करो, काफी टीचर्स के काफी को मिल जाएंगे, तो वो कंसेप्ट सबसे पहले अच्छे से क्लियर करो, अर्थमैटिक वगैरह सारों के करो, कोई छोड़ो मत। और उसके बाद जैसे अपने मेंस के लिए प्रिपेयर करें, तो मेंस के लिए आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही किया था या फिर कोई टीचर को भी फॉलो किया था? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज से किया था और एक गाइडली का बंडल पीडीएफ जो है हमने दो दोस्तों ने मिलकर खरीदा था, तो उसके अंदर पहले हम क्वेश्चन देखते थे और सॉल्यूशन भी देखते थे, कभी कभी सॉल्यूशन नहीं होता देखते थे, फिर हम उसी चीज को शॉर्ट में करने की कोशिश करते थे कि यार इन्होंने बढ़ा दिया है तो अपन हो सकता है इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें एक पेज में। अगर वो मान लो 2 पेज का सॉल्यूशन है उसको एक या आधे पेज में अपन कैसे कर ले, तो हर चीज वो एक एक क्वेश्चन को करने के 3 या 4 तरीके कम से कम आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप एक तरीका वहां पे एग्जाम में जाके लगा सकते हैं। तो सही, वही हमने किया कि अलग अलग टेक्निक से करने की कोशिश की सवाल को, कि अपन इससे नहीं यार दूसरे तरीके से करके देखते हैं, तो वो चीज काफी बेनिफिशियल रही सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइडली वाला आपने बंडल और टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट सीरीज में आप कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे? मेरे पास सारी टेस्ट सीरीज सर मैंने, क्योंकि मैं बहुत डर जाता था कि अरे यार मेरे इसमें सिलेक्शन नहीं, अब क्या करूँ। मैंने प्रैक्टिस मॉक भी खरीद लिया, मैंने ऑडियो बोर्ड भी खरीद लिया, मैंने गाइडली भी खरीद लिया, मैंने टेस्ट बुक भी खरीद लिया, क्योंकि मेरे को बहुत डर था। मैंने कहा यार अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। कोई मेरे को बोलता दोस्त मैंने टेस्ट बुक खरीदा है, तो मैंने कहा हाँ अरे मैं कल खरीद लूंगा टेस्ट बुक, मैंने टेस्ट बुक खरीद लिया। कोई बोला यार मैंने प्रैक्टिस मॉक से पढ़ा है, मैंने कहा ठीक है मैं प्रैक्टिस मॉक भी खरीद लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। पर मतलब मैंने अगर रिलीजियसली फॉलो जो मैंने ऑलिव बोर्ड टेस्ट को किया था उसके मैंने सारे टेस्ट दिए थे, और प्रैक्टिस मॉक जब वो खत्म हो गए मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट लगा रहा था, मैं मेंस के एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहा था, अगर मेरे को मेन के कुछ भी हो जाए अपने को मेंस के भले 3 3 घंटे के 2.5 घंटे के टेस्ट, मैंने कहा मैं 2 लगा लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टेस्ट लगभग खत्म कर दिए थे सारे, जितने भी मेरे टेस्ट जो थे सारी जो कंपनी के ब्रांड्स के मैंने खरीदे थे, तो तो वो सारे मेजोरिटी कंप्लीट कर आप, लिए। और उसके बाद हाँ तो मेजोरिटी आपने मतलब कंटेंट अपना टेस्ट सीरीज से निकाला, आपके पास चार चार पांच पांच टेस्ट सीरीज थी, उसी से आप करते थे, वहीं से करते थे, कोई पर्टिकुलर टीचर को आपने ऐसे फॉलो नहीं किया? पर्टिकुलर टीचर ठीक है, क्वांट्स के बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया? जनरल अवेयरनेस के लिए भी सर मैं एक बार पहले मैं आईबीपीएस पहले एसओ की तैयारी करता था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं एफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी बैंक की, तो अच्छा वो मुझे वहाँ पे बैंकिंग भी पढ़ाते थे, तो मैं बैठा रहता था, मैंने कहा चलो अब कोई पढ़ा रहा है तो अपन बैठ जाते हैं। तो हाँ मैंने वहीं से कुछ टॉप मुझे ये बेसिक पता चल गया था कि बैंकिंग में पूछते क्या है, जबकि मुझे उसका काम नहीं था उस समय पे, पर हाँ फिर भी मैंने एक नोट्स बना लिए थे, मैंने कहा चलो कुछ सर पढ़ा रहे हैं अपन मैम पढ़ा रहे हैं जो अपने को हाँ अपन एक नोट्स बना लेते, तो वो सबसे पहले उन्होंने टॉपिक लिखा दिए थे हमको, एक कंटेंट लिस्ट बनवा दी थी कि आपको ये चीज पूछते हैं। तो पर मेरे पास वो लिस्ट सारी पड़ी हुई थी, जब मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं नॉर्मली बस वो यूट्यूब पे सर्च करता था, अगर टॉपिक मुझे अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है तो मैं वो टॉपिक सर्च करता था यूट्यूब पे, और जिस टीचर का अच्छा लगता था उसके पूरे फुल नोट्स मैंने बना लिए थे खुद से कॉपी में। मैंने करीब जीए जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के 3 कॉपी पूरी भर के अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज लिख के और नोट्स कंप्लीट बनाए, और उनको हर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उनको बिल्कुल रिवाइज करता था और ऐसे किया। अच्छा तो और ये, करंट अफेयर की अगर बात हाँ, करें, करंट अफेयर्स का मेन बताओ, क्योंकि अपने करंट अफेयर्स का वेटेज ही मेजोरिटी आजकल जनरल अवेयरनेस में रहता है, तो उसके लिए कहाँ से किया आपने? करंट अफेयर के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड की जो है पीडीएफ मंथली अच्छा वाली पीडीएफ, क्योंकि डेली तो मुझे लगता था कि थोड़ा मुश्किल है रोज देखना ज्यादा, कंटिन्यूटी मेंटेन करना, तो हाँ मैं मंथली जो है उसकी पीडीएफ प्रिंट करवा लेता था और वो पढ़ता था। और इसके साथ मैं दो एक गौरव गया सर का वीडियोस में देखता था,
स्टडी आईक्यू तो मेरे तेरी वो स्टडी आई क्यू के बहुत जो गौरव गासर के वीडियो हैं मैं वो देखता था, और फिर अगर दोनों के कंटेंट मैच करता था, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं मिलते थे कुछ क्वेश्चन उसमें मिलते थे, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते थे मेरे पास पीडीएफ से, तो वो मैं अलग से नोट डाउन करके रख लेता था। और उसके बाद जब, क्योंकि अफेयर क्लाउड की पीडीएफ शायद 150 या 200 पेज नॉर्मली होती है, तो मैं क्या करता था कि जो मुझे लगता था कि यार ये चीज अच्छी है, ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं उसके एक कुछ पेजेस में लिख के 5 या 6 पेज उसके छोटे मतलब कंसाइज में उसको बना लेता था, ताकि मुझे अभी तो अगर वो मुझे पता चले बेनिफिशियल नहीं, पर एग्जाम के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर मुझे मान लो जुलाई मंथ रिवाइज करना है, तो मैं तुरंत आग बंद तुरंत निकाल के अपने नोट्स को रिवाइज कर लूँ। तो मैं उसके कंसाइज नोट्स भी मैंने उसके लिए बनाए थे पहले से ही। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने फाइनली आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या किया? और रीजनिंग के से बताने से पहले एक बार मेरे को ये बताना कि आपने जैसे SBAPO मेंस का भी स्कोर कार्ड तो नहीं आया, बट आपके अटेम्प्ट्स क्या क्या थे? जैसे इंग्लिश में आपका क्या अटेम्प्ट था? इंग्लिश में मेरे 33 के आसपास अटेम्प्ट है, 33 या 30 कर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, 30 के इंग्लिश में आसपास मेरे इंग्लिश में 33 थे। अटेम्प्ट है, तो उसी में काफी नंबर आ गए होंगे। फिर क्वांट्स में कितना हाँ, था? क्वांट्स में मेरे 8 अटेम्प्ट थे, 8 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट्स। क्वांट्स में अटेम्प्ट किए चलो थे। बढ़िया बढ़िया। और जनरल और अवेयरनेस में हाँ, जनरल अवेयरनेस में मैंने 28 किए थे। 28 आपने अटेम्प्ट किया, तो उसमें गेस वर्क भी किया था क्या थोड़ा बहुत? उसमें मैं मेरा मतलब मैं जीए का पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता था कि पहली बार जब मैं गो थ्रू करता था क्वेश्चन से, तो जो मुझे एग्जैक्ट पता है उन क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लेता था, और जो मुझे डाउटफुल लगते थे उनके ऊपर मैं जो है मार्क कर देता था। और फिर जब दूसरी बार जब करता था तब मैं थोड़ा बहुत करता था कि हाँ, अगर अपन चांस ले सकते हैं, अगर मान लो कि जो मुझे मार्क वाले जो क्वेश्चन है अगर 3 या 4 क्वेश्चन है तो मैं उसमें चांस ले लेता था, पर अगर वो ज़्यादा बन रहे हैं मार्क वाले तो फिर मैं ज़्यादा चांस उसमें लेता नहीं था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया था आपने? रीजनिंग में सर मैंने 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। हाँ, 16 क्वेश्चन पर मार्क्स वाइज थोड़ा सा मार्क्स उसमें एसबीआईपीओ एक क्वेश्चन का क्या? में सर रीजनिंग SBAPO में भी 2 मार्क्स बराबर है, होते हैं या वन फिर क्या नहीं, रहता है? एक एक मार्क का ही होता सर। रीजनिंग में एक ही मार्क क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही था सारे? अच्छा, एक मार्क का। तो कितने थे? 1 क्वेश्चन 1 मार्क का था। रीजनिंग में 1 क्वेश्चन 1 मार्क, और मैथ्स में सर जो है अच्छा, मैथ्स में था इस मैथ्स बार, में क्योंकि रहता हूँ सर। रीजनिंग का वो चेंज हो गया ना पिछले साल से पैटर्न, वो यस सर, नंबर 5 क्वेश्चंस कम हो गए हैं। 5 क्वेश्चंस का बोल। चलो ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो रीजनिंग के लिए आपने, जैसे अपने बात कर रहे थे रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या फॉलो किया, प्री के लिए क्या किया, मेंस के लिए क्या किया, थोड़ा सा बता दीजिए। रीजनिंग में सबसे पहले जो पजल्स वगैरह जो बनती है, तो उसके लिए मैंने आपके वीडियोस देखे थे पजल के। तो आप बिल्कुल नॉर्मली जैसे आपने मतलब बहुत सारे टीचर मैंने देखे तो वो इस तरीके से पढ़ाते थे, वो एग्जाम में अपन कर नहीं सकते थे, पर आप वो चीज बता रहे थे जो कि अपन एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो अपन फंसेंगे नहीं कहीं पे भी। तो मैं नॉर्मली आपके जो वीडियोस थे वो मैंने कुछ देखे थे, मतलब मैंने 10 से 15 आपके वीडियोस, आपने एक RRBPO की प्लेलिस्ट चलाई थी RRBPO के लिए, तो मैंने वाली पूरी प्लेलिस्ट प्री की और मेंस की दोनों की मैंने फॉलो करी थी, और उससे मैंने पजल से अच्छे से मैंने देख लिया था, क्योंकि पजल से ऐसा है कि 4 5 वीडियो देख लिया अपने को समझ में आ गया कि अब कैसे करना, तो वो मैंने फॉलो किया। फिर उसके बाद IBPSPO के समय पे मुझसे मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बन पाए थे वहाँ पे पजल के अलावा, तो फिर मैंने IBPSPO के बाद आपकी जो मिसलेनियस की सीरीज है M3 मिसलेनियस की, वो मैंने कंप्लीट देखी। उसमें जो मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन वगैरह थे, और जो दूसरे जो रिजल्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन सब देखे, और वो अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर किए, क्योंकि मेंस प्री के अंदर चलो आप पजल करके आप अपना काम कर सकते हैं, पर मेंस में आपकी एक पजल अगर आपसे होगी तो बहुत बड़ी बात हुई ये माना जाता है। तो उसमें मिसलेनियस पे आपका जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिसलेनियस आपको करना ही पड़ेंगे, आपको पहले मिसलेनियस ही पकड़ना पड़ते हैं। तो मिसलेनियस इसमें मैंने जो गलती मेरी IBPSPO में हो गई थी, मैं एक पजल में अटक गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पजल कर लेता हूँ, अगर मैं इतने सालों से पजल कर रहा हूँ, समय से पजल कर रहा हूँ तो अपन कर लेंगे, पर वो नहीं हो पाई इवेंचुअली पजल, तो उसमें पूरा समय चला गया और बहुत दिक्कत आ गई। तो इस बार मैंने IBPSPO में मैंने SBAPO में ये सोचा था कि अपन पजल ना करके मिसलेनियस ही पकड़ना है अपने को, और वही करना है, और पजल अगर बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। तो मुझसे एक पजल भी बन गई थी और मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे वहां पे, तो इसलिए बहुत अच्छा वो हो गया पजल। बहुत अच्छी। मैंने यही स्ट्रैटेजी मैं बच्चों को भी हमेशा बताता हूँ कि मैं ये नहीं कहता है कि पजल अपने प्रैक्टिस नहीं करनी, पजल डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक पजल अपने बना लेंगे तो अपना अटेम्प्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। बट एक से ज्यादा पजल तभी बन पाती है जब या तो पेपर में पजल वो जानबूझ के आसान दे दे, ऐसा हो जाए कि यार शॉर्ट पजल्स आ जाए, कई बार होते हैं ना 2 क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन की आ जाती है, वो बन जाती है। पर
ज्यादा बार ऐसा नहीं होता, ज्यादा बार ऐसा होता है कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा मुश्किल लेवल पे होता है, तो एक आध सेट बनाने में भी हवा निकल जाती है, बहुत ऐसा अच्छा सब कुछ जाए तो जाके बन पाता है। पर मिसलिनियस का पोर्शन, इवन अगर न्यू पैटर्न भी आता है, मैंने ये नोट किया कि न्यू पैटर्न भी ऊपर ऊपर से डराने के लिए न्यू पैटर्न होता है, ऊपर ऊपर से डराने के लिए, जैसे कि आईबीपीएस पीओ का पेपर था या आईबीपीएस क्लर्क का किसी का, जिसमें मशीन इनपुट आउटपुट दो थे, आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क था, आपने आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया था क्या? हाँ सर, दिया था उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके पहली बार दो। इंट्रोड्यूस किया था दो मार्क्स हाँ का, हाँ तो उसमें दो मशीन इनपुट आउटपुट थे, एक दो तो दो मशीन मार्क्स इनपुट वाले थे। में था और एक एक मार्क वाले में था। दो मार्क्स वाले में वो नंबर वाला था, बहुत सिंपल था, नंबर बेस्ड था कि 5-6 नंबर दे रखे, नंबर में 6-6 डिजिट है और पैटर्न था, वो बड़ा दो दो मार्क्स में था, वो तो बड़े आराम से बन गया। एक एक मार्क में एक ऐसा आया था जिसमें इन्होंने कुछ पेंटागन था, पेंटागन पे ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल के अंदर एक नंबर एक ट्रायंगल लेटर दे रखा है, इनपुट करके दे रखा था कि एक नंबर एक लेटर से ये आउटपुट बनता है और उनसे फिर वो बनाना था। वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बट उस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न था वो ऐसा था कि वोवल में +1 कर रहे थे, कंसोनेंट में -1 कर रहे थे, ऑड है तो ये कर दो, इवन है तो ये कर दो। तो मिसलिनियस के लिए भी मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, क्योंकि पजल में क्या होता है कि न्यू पैटर्न की अगर पजल आ गई ना, तो उसको पढ़ने में भी इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, मिसलिनियस में उतना टाइम नहीं लगता। देख के आप पढ़ते हो, एक बार रीड देते हो, 1 मिनट का टाइम, और आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बस ऊपर से ही है, समझ तो सारी बातें आ ही रही है कि ये करना है ये करना है ये करना है। तो मिसलिनियस पे दाव खेलना मेरे हिसाब से ज्यादा सेफर रहता है। ऑल दो पजल सेटिंग अरेंजमेंट की तो अपने सब लोग प्रैक्टिस करते ही करते हैं कि यार वो एक पजल बन जाए या दो पजल बन जाए तो मजे ही हो जाएंगे, या फिर शॉर्ट पजल्स आए तो वो बन जाए, तो वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। आईबीपीएस पीओ मेंस में क्या अटेम्प्ट था आपका रीजनिंग में? मैन आईबीपीएस पीओ में मेरा रीजनिंग में 15 मिनट तक मेरा सिस्टम बंद था, तो उसमें अच्छा क्या होता, मॉनिटर उसका जो बंद हो गया था, तो उसके कारण ओके मेरे 8 ही क्वेश्चन हो पाए थे, क्योंकि मॉनिटर उसका ओहो जो है बंद हो गया था। तो मैं पजल आदि नोट कर रहा था और हाँ मॉनिटर बंद हो गया, फिर वो पजल पूरी गायब हो गई दिमाग से कंप्लीट 15 मिनट के अंदर। तो सर उसमें मेरा फिर 8 ही अटेम्प्ट हो पाए थे इस कारण से। हाँ चलो, वो तो फिर यार पूरा पेपर ही खराब हो गया, तो इसके बारे में क्या बात करना। चलो ठीक है, तो अपने अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे आ जाते हैं, कि इंटरव्यू जैसे आपने दिया एंड आई एम श्योर इंटरव्यू आपका काफी अच्छा गया, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? इंटरव्यू के लिए सर मैंने सारी चीज़ कंप्लीट जो है वो यूट्यूब पे सर्च करी टोटल, कि इंटरव्यू में अपने को क्या करना है कैसे करना है। नॉर्मली जो भी चीज़ों, सबसे पहले मैंने क्रॉस क्वेश्चन खुद से ही बनाया। मैं इंटरव्यू जैसे अपन शॉर्ट्स देखते हैं ना बहुत बार, तो शॉर्ट्स में वो दृष्टि आईएएस के इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कि अरे इंटरव्यू के आईएएस के बहुत सारे जो फीड में आ जाते हैं अपने को, तो वो मैंने देखे थे। मैंने कहा अरे इस तरीके से इंटरव्यू होता है, तो उसमें उन सर ने बोला था कि आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन बनाओ। अगर आपका नाम, मेरा नाम जैसे नयन है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन बनाओ कि आपका नाम नयन है, तो नयन का मतलब क्या है। आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन जितने आप बना सकते हो आप उतने बनाओ। तो मैंने अपने दिमाग में इंटरव्यू इतनी बार दे दिया था अपने आप को ही, खुद को बना बना के क्वेश्चन, कि मैंने बीटेक किया तो बीटेक क्यों किया आपने, आपने बीटेक एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में क्यों किया है बीटेक। तो इस तरीके से मैंने मन से ही क्वेश्चन बना के उन्हें नोट किया। पहले मैंने इंटरव्यू की जब मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने सारे क्वेश्चन अपने आप से नोट किए कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने से बनाए कि मुझसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर मुझे किस तरीके से देने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, दोस्तों से पूछा कि इसके आंसर में इस तरीके से दूं तो सही रहेगा क्या, इस तरीके से दूं तो सही रहेगा क्या। और मेरे मतलब पापा के एक दोस्त है, तो वो भी बैंक बैंक में है, वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, तो मैंने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि हाँ इस तरीके से इसका आंसर दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इस तरीके से दो तो अच्छा रहेगा। तो उस तरीके से पूरा प्रिपेयर किया और होपफुली इंटरव्यू अच्छा गया था बहुत। वेरी गुड, तो खुद से इन्होंने प्रिपेयर किया था, खुद के क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह तैयार करके और उसी पे काम करके, बाकी बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक वगैरह तो उन्होंने तैयार कर रखी थी बैंकिंग वाली पहली, तो उसकी तो प्रिपरेशन हो ही रखी थी, साथ में करंट अफेयर्स की वैसी ही हो जाती है, अपने मीन्स वगैरह के लिए करते हैं, कुछ हॉट टॉपिक्स वगैरह जो करंट चल रहे होंगे वो थोड़े देख लिए होंगे कि उनके बारे में कुछ पूछा, क्योंकि आप लोगों के तो आई थिंक जीडी भी था, जीडी और ग्रुप जी एक्सरसाइज यस सर, दोनों ग्रुप है ना, डिस्कशन भी था। यस सर, और तो ग्रुप साइकोमेट्रिक टेस्ट डिस्कशन भी, में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी था ग्रुप। यस, तो ग्रुप डिस्कशन में हमारा टॉपिक था डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारा टॉपिक था। तो उसमें 12 लोग एक साथ बैठे हुए थे, तो सेंट्रल बैंक मैंने वो जो सीबीडीसी है वो मैंने मतलब क्या बोलते हैं, भाग्यवश मैंने जो है दो 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 या 3 दिन पहले ही मैंने उसके 2 पेज पूरे भर के याद करके गया था, कि अगर अच्छा मुझसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे पास सारे पॉइंट्स उसके होने चाहिए कंप्लीट लिखे हुए, कि हाँ हर बिल्कुल क्या, अरे इस वेबसाइट से अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सारी चीज़ मैंने उसके लिए 2-3 पेज भर के पूरा याद करके कंप्लीट, मैंने इसके बारे में पूछेंगे तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। जैसे ही सर ने बताया कि आपका सीबीडीसी जो है आपका टॉपिक है,
तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार चलो अपनी अपने जो किया था लिखा था वो हाँ का भी आ गया, और बहुत उसके कारण बहुत अच्छा हेल्पफुल रहा। बहुत और बढ़िया। इंटरव्यू में भी ग्रुप डिस्कशन में सब लोग जैसे डरते हैं कि इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, हाँ जो 12 लोग का ग्रुप था तो उसमें भी शुरू में जो बच्चे जो बोलना चालू हुए थे तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मेरे आसपास वाले बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब दो बच्चे सिर्फ बात कर रहे थे इंग्लिश में। फिर मैंने वो बैरियर तोड़ा, मैंने हिंदी में तुरंत बात करना चालू की हाँ कि मैंने कहा कि जब मैंने हिंदी में पढ़ा है, मैं बात हाँ हिंदी में करता हूँ, मुझे कस्टमर से हिंदी में बात करनी है, तो मैं इंग्लिश क्यों बोलूंगा जब जबरदस्ती में। तो बिल्कुल मैंने सर हिंदी में तो बिल्कुल। ग्रुप डिस्कशन मेरे मैंने हिंदी में स्टार्ट किया हाँ कंप्लीट, मेरे टाइम भी जब और उसके बाद एस बी पी ओ का जब मैंने दिया था तब उस टाइम भी हमारे भी जीडी भी था, साइकोमेट्रिक तो नहीं था, जीडी जीई दोनों थे। हमारे जीडी का टॉपिक आई थिंक वन रेट वन नेशन वन पेंशन ऐसे करके कुछ टॉपिक उस टाइम, वन रैंक वन हाँ पेंशन। वो था। तो उस टाइम वो काफी बर्निंग टॉपिक था, और ज्यादातर वो ऐसे ही टॉपिक पूछते हैं जो है, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उसको पता होगा ही, अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो वो अलग बात है। तो उस टाइम भी ऐसा था कि काफी जैसे इंट्रोडक्शन का उन्होंने स्टार्टिंग में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया था कि थोड़ा थोड़ा करके सब बोलो, फिर एक कॉमन डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा हमारे भी 12 लोग ही थे, छह छह अब मतलब टेबल था एक साइड इस ऐसे करके, और तो सबके सब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में। मैंने भी पहला वाला जो पार्ट था वो मैंने इंग्लिश में बोला था, पर जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो गए थे, सारी चीजें अपने आराम से बोल रहे थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इंटरव्यू में तो उल्टा, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैंने वैसे तो अपनी लैंग्वेज जो प्रेफर की थी इंग्लिश में भी मैंने बात की थी, पर मैंने ये लिखा, मैंने बोला था कि सर मैं हिंदी में भी आंसर मतलब देना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, अपने समझा सकते हैं, क्योंकि आदत नहीं रही ना इंग्लिश में ऐसे कॉन्वर्जेशन करने की। जिनकी आदत होती है वो तो आराम से अपनी अपने तो क्या होता है कि पहले तो दिमाग में ट्रांसलेट होता है फिर अपने बोलते हैं, ये वाली सीन चलती है। तो उस चक्कर में वो टाइम वैसे ही ऐसा चला जाता है कि अटक अटक के बोलेंगे, वो फील भी नहीं आएगी और सुनने वाले को भी मजा नहीं आएगा। तो अपने ऐसे इंग्लिश वाले वर्ड्स वगैरह तो डाल रखे थे, पर समझा मैंने भी ऐसे हिंदी में रहा था। तो वो बच्चे जैसे काफी पूछते हैं कि सर इंग्लिश हमारी कमजोर है, हम इंग्लिश में बोल नहीं पाते, उनको मैं यही बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इंग्लिश विंग्लिश से मतलब ही नहीं है यार, वहां पे जाके काम करने, वहां पे लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पे जाओगे जहां पर हिंदी भी अच्छे से नहीं आती। इंग्लिश छोड़ो आप लोग यार, रूरल वूरल पोस्टिंग में तो हिंदी भी समझ नहीं आती लोगों को, इंग्लिश छोड़ो। तो चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका जीडी का भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, इंटरव्यू आपने बड़ा अच्छे से दिया। अच्छा जाते जाते अब बच्चों के लिए कुछ आप कहना चाहोगे जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं कि यार 2023 में एग्जाम निकालना ही निकालना, तो उनको कोई दो तीन बातें ऐसी जो बहुत जरूरी है उनके लिए ध्यान रखना थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो भी अभी आगे एग्जाम वाले, तो आप ये मत सोचिए कि मैं एसबीआई के लिए पढ़ाई तैयारी करना चाहता हूँ, मैं क्लर्क के लिए, आप पढ़िए बस। आप अगर किसी एग्जाम को टारगेट रख के सिर्फ पढ़ेंगे कि नहीं यार आईबीपीएस में तो ऐसा पूछते मैं ऐसा ही पढ़ूंगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ है वो सिलेक्शन लेना। आप सिर्फ इसलिए पढ़िए कि मुझे नॉलेज लेना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, अगर मैं ये चीज़ सीखूंगा तो ये मेरा कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी बस। अगर आप इसलिए पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी होगा। आप सिर्फ किसी एग्जाम को निकालने के लिए अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ मुश्किल है थोड़ी पढ़ना। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं आप सिर्फ इसलिए पढ़े कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छे से करना है। और मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेंस में सबसे मेन बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि यार मेंस में तो बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ते हैं, तो अगर आप मेंस में 33 या 40% मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अगर क्योंकि बहुत सारों को लगता है अरे यार 90% लाने पड़ते हैं, 80% लाने पड़ते हैं, इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से होता है। पर आपको दिमाग शांत रखना है बस अपना वहां पे। अगर आप दिमाग शांत रखे, आपने 33%, क्योंकि स्कूल में अपन 33% मार्क्स ला के पास होते हैं, वैसे ही नॉर्मली इसमें भी 33% मार्क्स लाने हैं आपको, बस ये है। हाँ तो ज्यादा टेंशन ना लेके नॉर्मली जो चीज इजी आपको लग रही बिल्कुल वो पिकअप करो और आराम से आप सॉल्व करो। और इसके बाद आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितने टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो माइंड है वो आपको आपका तैयार हो जाएगा कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन भी फेस करने को मिल सकते हैं। तो जितना आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेगा, वो मतलब बुरी से बुरी कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर मुझसे शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं बने तो मैं क्या करूंगा, 10 क्वेश्चन नहीं बने तो मैं क्या करूंगा शुरू के। तो आपको ये चीज प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। तो और मॉक्स आपको बहुत सारे देने हैं, आप ये सोचो क्या आपको दिन भर में 1 या 2 या 3, मैंने प्री के भी 3 3 4 4 मॉक्स भी दिए एक एक दिन में, तो आप जितने मॉक्स दोगे ना आपको उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मॉक ही दे रहा हूँ एग्जाम में भी। तो ये आपको करना है सबसे ज्यादा। चलो वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट यार नैन। तो नैन की जो जो सजेशंस है उन पे ध्यान देना, उन पे काम करना,
और काफी डिटेल में सारी चीजें इन्होंने बताई है, और बधाइयां यार नयन आपको, और फैमिली को भी मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना। अब सेशन अपने यहीं पे आपको भी कंक्लूड बधाई करते सर, हैं, बहुत ठीक बहुत है? चलो धन्यवाद, टेक केयर नयन। थैंक यू सर, थैंक यू सर।